नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप कुमार अग्रवाल और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने करंट अफेयर के चैनल डेडोज में। आज है 9 अक्टूबर 2020 और हम लोग डिस्कस करेंगे आज के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए फिर शुरू करते हैं। पहला सवाल, व्हेन इज इंडियन एयर फोर्स डे इज सेलिब्रेटेड? तो हम लोग इंडियन एयर फोर्स डे इंडिया में बेसिकली 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। बात करें इस बार की, तो इस बार हम लोग 2020 में एज अ 88th एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर रहे हैं ऑफ इंडियन एयर फोर्स डे। जो इंडियन एयर फोर्स आपका है वो ऑफिशियली मींस ऑफिशियली इस्टेब्लिश किया गया था 8 अक्टूबर 1932 में बाय द ब्रिटिश अंपायर, और उस समय इंडियन एयर फोर्स का नाम था रॉयल इंडियन एयर फोर्स। बाद में फिर 1950 में रॉयल इंडियन फोर्स को चेंज करके इंडियन एयर फोर्स रखा गया। ये एक स्पेशल ओकेजन है जहां पे आपका सेरेमोनियल परेड होता है और आपकी फ्लाइंग बीस्ट जो कि इंडिया की है डिफरेंट डिफरेंट, उसका एक आपका शो होता है। तो इस बार जो हो रहा है उसमें आपका द मोस्ट इंपॉर्टेंट रफेल प्लेन यूज किया गया है। तो रफेल Su-30MMKI, अपाची, तेजस, गजराज जैसा ये जो फाइटर प्लेन है जो कि इंडिया की शान है, ये अपना फायर पावर दिखाई है इस परेड में। तो ये हम लोग 8 अक्टूबर को सेलिब्रेट करते हैं। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द डेप्यूटी गवर्नर ऑफ RBI? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के न्यू डेप्यूटी गवर्नर किन्हें चुना गया है? वो चुना गया है एम राजेश्वर राव जी को। बात करें इनकी तो जो सेंटर ने अपॉइंट किया है एम राजेश्वर राव को एज अ डेप्यूटी गवर्नर ऑफ द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और ये अपना जो पदभार संभाल रहे हैं 7 अक्टूबर से संभाल रहे हैं। ये सक्सीड कर रहे हैं या फिर रिप्लेस कर रहे हैं एन एस विश्वनाथन जी को, जो कि आपके सेंट्रल के फोर्थ डेप्यूटी गवर्नर थे। बात करें और इनके बारे में, कहने का मतलब जो डेप्यूटी गवर्नर है वो चार हैं, उनमें से जो चौथा है वो एम राजेश्वर राव है। तो उसके अलावा और तीन डेप्यूटी गवर्नर है, तो वो तीन डेप्यूटी गवर्नर है आपके एमडी पात्रा, बीपी कनुंगा और एमके जैन। ठीक है, तो आरबीआई का जो 25th गवर्नर है वो अभी शक्तिकांत दास है, मीन जो अभी प्रेजेंट शक्तिकांत दास है वो आपके 25th गवर्नर है। इसकी हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसका फाउंडेशन 1 अप्रैल 1935 को हुआ था कोलकाता में। अगला सवाल है, विच स्टेट गवर्नमेंट इज गोइंग टू लॉन्च डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम? तो किस राज्य सरकार ने यह घोषणा की है कि वे डिजिटल सेवा सेतु प्रोग्राम लॉन्च करेंगे? तो ये किया गया है गुजरात के द्वारा। गुजरात के जो सीएम है विजय रूपानी, उन्होंने अनाउंस किया है कि वे एक प्रोग्राम ला रहे हैं जिसका नाम रहेगा डिजिटल सेवा सेतु। इसके तहत क्या होगा, आपका जो भी गुजरात के रूरल एरियाज हैं उनको पूरी तरह से डिजिटलाइज्ड करने की बात हो रही है, जिसके हेल्प से जो रूरल सेंटर हैं वो उनको थोड़ी सी परेशानी होती है किसी भी तरह का डिजिटल वर्क करने में। तो वो आपके इसमें बात हो रही है कि 14,000 ग्राम पंचायत को कनेक्ट किया जाएगा आपके स्टेट और स्टेट के कैपिटल से, और वो किया जाएगा थ्रू द ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, तो जिसके हेल्प से लोगों को और ज्यादा मदद मिलेगी। तो जिसमें आपके डिफरेंट डिफरेंट वर्क्स किए जाएंगे, जैसे कि राशन कार्ड, एफिडेविट, सर्टिफिकेट्स फॉर विडोज, रेसिडेंस कास्ट, सीनियर सिटीजन, लैंग्वेज बेस्ड माइनॉरिटी, रिलीजियस माइनॉरिटी, नॉमेड डिनोटिफाइड एंड इनकम सर्टिफिकेट, ये सब डोर स्टेप पे काम की जाएंगे, मतलब घर पे आके आए सब काम की जाएंगे। जो गवर्नर हैं गुजरात के वो हैं आचार्य देवव्रत जी। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च द स्टार्टअप इंडिया शोकेस? तो स्टार्टअप इंडिया शोकेस किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है बाय DPIIT। तो DPIIT क्या है, द डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड। इन्होंने लॉन्च किया है एक प्रोग्राम जिसका नाम रखा गया है स्टार्टअप इंडिया शोकेस, जिसके हेल्प से जो न्यू स्टार्टअप है उनको एक प्लेटफॉर्म मिलेगी अपनी बिजनेस या फिर अपना जो एम्प्लॉयमेंट है उसको खड़ा करने का। तो बेसिकली इसका एम यही है कि जो वेबसाइट है वो आपकी मेक की जाएगी, बनाई जाएगी, और डिफरेंट डिफरेंट स्टार्टअप कंपनीज को हेल्प की जाएंगी ताकि वो अपने बिजनेस को सेटअप और अच्छे से कर सके और इंडिया का ग्रोथ हो। तो डिफरेंट डिफरेंट आपका कैटेगरी जैसे कि फाइनटेक, इंटरप्राइज टेक, सोशल इम्पैक्ट, हेल्थ टेक, एडुटेक, और ये सब में बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ेगा।
तो जो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है वो है पीयूष गोयल जी। अगला सवाल है, रिसेंटली अश्वनी कुमार मिश्रा सॉरी अश्वनी कुमार पास्ड अवे, सो हु वाज ही, हाल ही में अश्वनी कुमार जी का निधन हो गया तो ये कौन थे? तो ये हमारे फॉर्मर सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं, सीबीआई बात करें तो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, तो ये गवर्नर भी रह चुके हैं मणिपुर और नागालैंड के, और साथ ही साथ एक्स सीबीआई रह चुके हैं आपके, मींस एक्स सीबीआई डायरेक्टर रह चुके हैं जिनका निधन हो गया। 2006 में इन्हें अपॉइंट किया गया था एज अ डीजीपी ऑफ हिमाचल, और उसके बाद 2008 जुलाई में ये बन गए पहले पुलिस ऑफिसर फ्रॉम द स्टेट टू बिकम द डायरेक्टर ऑफ सीबीआई। मतलब हिमाचल से ये पहले थे जिन्होंने, मतलब जिनको एज अ डायरेक्टर चुना गया था सीबीआई का। अगला सवाल है, हु हैज लॉन्च द फर्स्ट एवर ब्रांड एंड लोगो फॉर इंडिया इंडियन कॉटन। तो इंडियन कॉटन का पहला ब्रांड और पहला लोगो किसने लॉन्च किया? ये लॉन्च किया गया है स्मृति ईरानी जी के द्वारा। तो स्मृति ईरानी जी आपकी हमारे भारत देश के यूनियन मिनिस्टर ऑफ टेक्सटाइल है, तो उन्होंने ये बात कही है कि इंडिया का अब एक अपना ब्रांड होगा, उस ब्रांड का नाम होगा कस्तूरी कॉटन, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे अगर बात करें तो इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट आपका कॉटन प्रोड्यूसर है, मतलब दूसरे रैंक पर आता है कॉटन प्रोड्यूस करने में, वही अगर लार्जेस्ट में आता है आपका कंज्यूम करने में, मतलब इंडिया में बहुत ज्यादा कॉटन का यूज होता है। तो ये जो ब्रांड का नाम है, ये ब्रांड है कस्तूरी कॉटन, जो साथ ही साथ आपका कॉटन से रिलेटेड सारा काम करेगी, इंपोर्ट एक्सपोर्ट वगैरह। इसकी जो खासियत होगी, ये जो ब्रांड है उसकी जो कॉटन है बहुत ही व्हाइटनेस होगी, मीन्स सफेद, ब्राइटनेस मतलब बहुत चमकदार, सॉफ्टनेस मुलायम भी होगी, प्योरिटी कहने का मतलब कोई इंप्यूरिटीज नहीं होगा, कोई उसमें एडल्ट्रेशन नहीं होगा, लस्टर चमकदार होगी, अपने आप में यूनिक होगी, और सबसे बड़ी बात ये इंडिया की अपनी कंपनी होगी। तो स्मृति ईरानी ने इसके बारे में कह दिया, लॉन्च किया है और इसका लोगो भी लॉन्च कर दिया है। अगला सवाल है, हु गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर। तो लिटरेचर में नोबेल प्राइज किन्हें दिया गया है 2020 का? ये दिया गया है लुईस ग्लक जी को। बात करें इनकी तो दो नोबेल प्राइज है लिटरेचर का 2020 का, ये एक अमेरिकन पोएट है जिनको मिला है फॉर हर अनमिस्टेकेबल पोएटिक वॉइस, जो कि है विद ऑस्ट्रे ब्यूटी मेक इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस यूनिवर्सल, इसके लिए इनको नोबेल प्राइज दिया गया। साथ ही साथ बात करें इनकी तो इनको और भी बहुत प्रेस्टिजियस अवार्ड दिया गया, जैसे कि पुलिट्जर प्राइज 1993 में और नेशनल बुक अवार्ड 2014 में। अगला सवाल है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक। तो आईपीपीबी के एमडी और सीईओ किन्हें चुना गया है? यह चुना गया है जे वेंकट रुमुजू को। बात करें इनकी तो ये सक्सीड कर रहे हैं सुरेश सेट्ठी जी को, जिनका की टेन्योर खत्म हो गया था मार्च 2020 में। वेंकट रमू अभी फिलहाल इक्विटी स्मॉल फाइनेंस बैंक में काम कर रहे हैं एज अ चीफ डिजिटल ऑफिसर। ये अपॉइंटेड किए गए हैं फॉर द 3 इयर्स। और बात करें अगर आईपीपीबी की तो इसका ये लॉन्च किया गया था बाय आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी 2018 में, ठीक है। और इसकी जो इनकॉर्पोरेट इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका न्यू दिल्ली में। अगला सवाल है, विच नेशन हैज सक्सेसफुली टेस्ट फायर ट्रिस्कॉन हाइपरसोनिक मिसाइल। तो ये एक मिसाइल है हाइपरसोनिक जो कि सक्सेसफुली लॉन्च किया गया है बाय द नेशन रशिया के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। और उनका कहना है कि ये जो मिसाइल है वो आपका लॉन्च किया गया है, फायर किया गया है आपका एडमिरल गोर्स्कोव फ्रिगेट इन द व्हाइट सी रशियन आर्कटिक से, ठीक है। और ये जो मिसाइल है इसने 450 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, और इसका जो मैक्सिमम एल्टीट्यूड था वो था 28 किलोमीटर, और जो फ्लाइट है वो आपका 4.5 मिनट तक चला, और जो मिसाइल है उसने टॉप स्पीड ऑफ मींस हाइपरसोनिक स्पीड गेन किया ऑफ Mach 8। ये मिसाइल आपकी स्क्रैमजेट पावर्ड है जो कि आपकी एंटी शिप हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल का लिए काम किए जाएगी। अगला सवाल है, विच बैंक टाई अप विद विस्तरा टू लॉन्च को ब्रांडेड फॉरेक्स कार्ड। ठीक है, अब बात करें विस्तरा की तो विस्तरा आपकी एक फ्लाइट कंपनी है, कहने का मतलब ये एयरलाइन से जुड़ी हुई है। तो एक्सिस बैंक ने इसके साथ टाई अप किया है ताकि वो एक न्यू कार्ड दे सके, फॉरेक्स कार्ड। फॉरेक्स कार्ड जैसे कि हम लोग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड यूज करते हैं, तो ये न्यू कार्ड है फॉरेक्स कार्ड,
इसका ये मेन बात यही है कि ये आपके इंटरनेशनल ट्रेवलर्स के लिए बहुत ज्यादा यूजफुल होगी। और ये पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई बैंक है ना, और वो एक एयरलाइन के साथ को ब्रांड कर रही है और एक फॉरेक्स कार्ड बना रही है। बेसिकली बात करें तो ये आपकी मल्टी करेंसी फॉरेक्स कार्ड है, जिसके हेल्प से जो भी ट्रेवलर है उसको उनको इंटरनेशनल डेस्टिनेशन में कैशलेस जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी और हैसल फ्री भी। ठीक है, कोई दिक्कत की वाली बात नहीं है। उसके साथ देखा जाए तो जो ये कार्ड है वो लोड कर सकती है 16 डिफरेंट करेंसी, मतलब 16 अलग अलग करेंसी को ये होल्ड कर सकती है, मतलब यूज किए जा सकते हैं। ठीक है, और इसमें एक्सचेंज रेट भी बहुत ही फिक्स्ड है, और कहने का मतलब ज्यादा चार्जेस नहीं लगेंगे। जो कार्ड होल्डर है हर 5 USD पर उनको 3 CB पॉइंट मिलेंगे, और उसके बाद फिर जब जैसे ही वो अपॉइंट करते हैं या फिर साइन अप करते हैं उसमें उनको 500 CB पॉइंट मिलेंगे, जो कि इनको आगे जाके इससे कुछ बेनिफिट्स होंगी। ठीक है, तो विस्तरा की जो हेडक्वार्टर है वो है गुड़गांव हरियाणा में, इसके जो CEO हैं लेस्ली थैंग, और एक्सिस बैंक की हेडक्वार्टर मुंबई में है और इसके MD और CEO हैं अमिताभ चौधरी। तो ये थे हमारे आज के कुछ इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने आप सबके साथ डिस्कस किया। आई होप ये सेशन आपके लिए हेल्पफुल होगी। आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।